हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं वैगनार के बारे में। वैगनार में कौन कौन से वेरिएंट आते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और इस समय क्या प्राइसिंग चल रही है। ये वैगनार का VXi वेरिएंट हमने लिया है, सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट यही है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। वैगनार में ऑब्वियसली चार वेरिएंट आते हैं, LXi VXi में आपको 1000 CC का इंजन मिलेगा एंड ZXi और ZXi+ में आपको 1200 CC का इंजन मिलेगा। LXi VXi में आपको CNG भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस वेरिएंट के बारे में आप देखेंगे तो सबसे पहले फ्रंट में आप चेक करेंगे इसकी हाइलोजन लाइट्स और साथ में आपको मिलेगा इंडिकेटर और नीचे मिलेगा आपको फॉग लैंप की हाउसिंग। सामने आपको मिल जाएगा क्रोम ट्रीटमेंट जिसमें कि छोटी सी ग्रिल दी हुई क्रोम में। धीरे धीरे हम शिफ्ट होते हैं भाई साइड की तरफ, तो साइड में आप देखेंगे गाड़ी का बॉक्सी सा लुक है, काफ़ी ऊंची है, टॉल वेयर डिजाइन है। यहाँ पर आप टायर देखेंगे तो इसमें आपको 14 इंच के टायर ऑफर किए गए व्हील कवर के साथ में एंड सामने आपको फेंडर पर इंडिकेटर मिल जाएगा इस वेरियंट में। बॉडी कलर्ड ORVM आपको मिलेगा जो कि इंटरनली एडजस्टेबल है। बॉडी कलर डोर हैंडल 165mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया है। एंड अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, तो गाड़ी की जो हाइट है वो आपको ऑफर की गई है 1675mm आपको हाइट इसमें ऑफर की गई है एंड गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 3655mm आपको मिलेगी इसमें। अब भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर, एक बार देखते हैं अंदर का माहौल क्या है। तो इसमें आपको सेंटर लॉक भी मिल जाती है दोनों चाबी में, रिमोट वाली चाबी। इसको हम खोलते हैं एंड जैसे ही हम इसको अनलॉक करते हैं डोर ट्रिम पे एक बार हम देख लेते हैं भाई क्या क्या कंट्रोल्स मिले हुए इस वेरिएंट में। तो इसमें आपको चार विंडो पावर मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन फंक्शन के साथ है। जो अनलॉक नॉब है वो भी आपको क्रोम में मिलेगी। बोतल होल्डर्स का स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। सीटिंग मैनेजमेंट एक बार देख लीजिए, काफ़ी ऊंचाई पर सीट्स है, अच्छे व्यू मिलता है, अच्छे कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छी है, फैब्रिक सीट्स आपको इसमें मिलेंगी। डुअल टोन इंटीरियर ऑफर किया गया है, काफ़ी प्रीमियम लगता है एक बार बैठ जाते हैं गाड़ी में भाई। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा इंफोटेनमेंट जो कि भाई सादा है, स्मार्ट प्ले डॉक का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे सामने स्टीयरिंग व्हील, तो इस पर आपको सिल्वर कलर का एक्सेंट मिल जाएगा, सामने क्लस्टर मिल जाएगा आपको, नीचे एक छोटी सी मिल जाएगी डिस्प्ले MID जिसमें आप फ्यूल इकोनॉमी वगैरह चेक कर सकते हैं। नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाएगी, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन भी गाड़ी आती है, 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट इधर मिल जाएगा, डे नाइट IRVM आपको इसमें ऑफर किया गया है। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे टिकट होल्डर मिल जाएगा ड्राइवर साइड सनवाइजर में और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्लव बॉक्स, काफ़ी बड़ा है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने स्टीयरिंग व्हील टिल्ट है, इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट दिया गया है जो कि आपकी ड्राइविंग को कंफर्टेबल बनाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम भाई एक बार दिखाते हैं आपको पीछे का कि पीछे क्या है माहौल, कैसा कम्फर्टेबल है, कितना स्पेस है, आपको आराम मिलता है नहीं मिलता है पीछे हम बैठेंगे। तो उससे पहले यहाँ ट्रिम पे देख लीजिए, पीछे वाले विंडो का कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएगा, ये अनलॉक डोर हैंडल भी सिल्वर में मिलेगा। पीछे इस VXi में आपको स्पीकर नहीं मिलते, हाउसिंग दी हुई है, काफ़ी अच्छा लैग स्पेस है भाई, काफ़ी अच्छी थाई सपोर्ट है। एक बार बैठ जाता हूँ मैं और आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थाई सपोर्ट है। एंड यहाँ पर हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि गाड़ी का टॉल बॉय डिज़ाइन है, इसलिए बैठने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चार आदमी आसानी से बैठ सकते हैं। सेफ्टी के लिए भाई सीट्स भी दी हुई है सभी पैसेंजर्स के लिए। एक बार भाई चलते हैं बाहर एंड पीछे का लुक एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये इतनी ऊंचाई पर है कि आप आसानी से निकल बैठ सकते हैं। पीछे आपको कुछ इस तरीके का टॉल बॉय डिज़ाइन मिलेगा एंड यहाँ की जो टेल लैंप है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है जो कि भाई दूर से रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं एंड नीचे आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, 2 पॉइंट मिल जाएंगे पार्किंग सेंसर के। एक बार बूट चेक कर लेते हैं, ठीक है। बूट चेक करेंगे तो आपको इसमें मिलेगा 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस जिसमें आप भाई काफ़ी ज़्यादा लगेज कैरी कर सकते हैं। अगर आप CNG लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी इसमें पार्सल ट्रे भी दी हुई है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। एंड उसके साथ साथ ऊपर आपको मिल जाएगा इसमें हाई माउंट स्टॉप लैंप और इधर आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल दोनों की सेम ही है, कोई भी फ़र्क नहीं है। अब एक बार हम भाई गाड़ी का आपको इंजन चेक करवा देते हैं कि गाड़ी में इंजन कैसा है, कितनी पावर देता है, क्या है। तो यहाँ से हम इंजन को करेंगे अनलॉक, मतलब बोनट को खोलेंगे एंड बोनट को जैसे ही हम खोलते हैं तो आपको सामने दिखेगा भाई 1000 CC का नेचुरली एस्पिरेट पेट्रोल इंजन जो कि आपको 49 kW की पावर देता है एंड 89 Nm का टॉर्क देता है। एवरेज के मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, लगभग आपको 22-23 का एवरेज ऑन रोड दे देती है। एंड अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको डुअल एयरबैग, ABS, EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आपको ब्रेक असिस्ट जैसी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आई होप आपको रिव्यू पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।